Hello, my dear students. Welcome to social studies class. In the previous video lecture, we were discussing about the distance transportation. We have discussed about the introduction of transportation, and today we will discuss about the topic transport. Actually, transport means what? Transport means movement of a people or goods from one place to another. बेटा जब कोई भी सामान एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, आती जाती है, यातायात होता है जब लोगों का या गुड्स का, तो उसको ट्रांसपोर्ट कहते हैं. ठीक है, उसको हम लोग ट्रांसपोर्ट कहते हैं. द मूवमेंट द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इंक्लूड एयरवेज, एयर, रेल, रोड, वाटर, केबल, पाइपलाइन एंड स्पेस. ये सारे ट्रांसपोर्टेशन हैं. ठीक है, देयर आर ह्यूज नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड. रॉ मटेरियल्स आर ब्रॉट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो रॉ मटेरियल्स होते हैं, कच्चा माल होता है, एक जगह से दूसरी जगह लाया जाता है, उसके बाद फिनिश गुड्स तैयार होते हैं मार्केट में, और फिर वो फिनिश गुड्स तैयार होते हैं, फिर वो मार्केट में लाया जाता है, तब वो पूरे वर्ल्ड में उसको सेल किया जाता है. फॉर दिस एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड. इसीलिए ट्रांसपोर्टेशन, चाहे वो वायर हो, केबल हो, कुछ भी हो, बॉक्स हो, या किसी भी तरह का गुड्स तैयार हुआ हो, जैसे कि जान लीजिए जैसे धागे से बना हुआ ड्रेस, कोई भी कपड़ा, ठीक है, जो धागे, पहले धागा इकट्ठा किया जाता है, उससे जैसे कपड़ा बनाया जाता है, फिर उस कपड़े को ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट में सेल करने के लिए, बड़ी बड़ी दुकानों में, छोटी छोटी दुकानों में ट्रांसपोर्ट किया जाता ताकि वहाँ से लोग सेल कर सके, और सेलिंग के बाद से जो पैसा इकट्ठा होता है वो उनकी अर्निंग होती है. तो ये इस तरह से जो फिनिश गुड्स तैयार हो रहा है, आर मैन्युफैक्चर्ड एंड सेंड टू द मार्केट ऑल ओवर द वर्ल्ड. फॉर दिस एन एफिशिएंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इज रिक्वायर्ड. ठीक, इन्वेंशंस ऑफ एरोप्लेन हैड ब्रॉट द वर्ल्ड मच क्लोजर. और एरोप्लेन का जब से इन्वेंशन हुआ, तब से पूरी दुनिया में हम कुछ ही घंटों में, एक घंटे में हम पूरी इंडिया में कहीं भी एक दो घंटों में आ सकते, मतलब जो एयर ट्रांसपोर्ट है वो सबसे ऐसा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जिससे हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस को शॉर्ट टाइम में कवर कर सकते हैं. ठीक है, द इट इज़ एन एफिशिएंट वे फॉर पीपल एंड गुड्स टू रीच टू अनदर कंट्री. और हम एक कंट्री से दूसरी कंट्री में भी ट्रैवल कर सकते हैं कुछ ही घंटों में. सो ये रहा ट्रांसपोर्ट के बारे में. पैसेंजर्स ट्रांसपोर्ट, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट में भी पब्लिक वेयर ऑपरेटर प्रोवाइड शेड्यूल सर्विस. ये देखिए, ये है पब्लिक ट्रांसपोर्ट शेड्यूल सर्विस. इनका एक शेड्यूल होता है, ये प्रॉपर टाइम से चलती हैं, इनका स्टॉपेज होता है, स्टॉपेज से स्टॉपेज तक चलती हैं, उसके बाद इनका मतलब एक शेड्यूल होता है. कुल मिला के कहने की बात है, एक शेड्यूल सर्विस होती है. प्राइवेट वेयर इज ओन्ड बाई एन इंडिविजुअल, और ये इंडिविजुअल्स के लिए, हम जैसे नागरिक के लिए रहती हैं. ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड ग्लोबलाइजेशन. ये एक बहुत बड़ा इफेक्ट, रोल अदा करता है ट्रांसपोर्ट, क्योंकि अगर हम कहीं भी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ना हो, कहीं भी कोई भी ट्रांसपोर्ट ना हो, रोड, रेलवेज, एयरवेज, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो वहाँ पर जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है वो वीक हो जाती है. कैसे वीक होती है, भी कैसे होती है, जैसे हम यहाँ पर, यहाँ प्रॉपर इस एरिया पे एक फैक्ट्री लगी है. ठीक है, यहाँ पर एक फैक्ट्री लगी है, फैक्ट्री में बहुत सारा प्रोडक्शन हो रहा है, प्रोडक्शन के बाद जो फिनिश गुड्स तैयार हो रहे हैं वो हम यहाँ से ट्रांसपोर्ट करने का कोई साधन नहीं है. जब ट्रांसपोर्ट करने का साधन नहीं है तो हमारे वो गुड्स वहीं पर पड़े रहेंगे, पड़े पड़े वो ख़राब होंगे, और जब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी नहीं है तो इसका मतलब क्या, वो वहीं पर बेकार हो रहा है. और हम अगर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे तो उससे क्या होगी, हमें अर्निंग होगी, अर्निंग से क्या होगा, लोगों का इकोनॉमिक स्टैंडर्ड ग्रोथ होगा,
ठीक है। इसीलिए जो ट्रांसपोर्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। और मान लीजिए यहाँ पर ये एक जगह है जहाँ पर ट्रांस रोड नहीं है, बड़े बड़े गड्ढे हैं, तो यहाँ कोई आना पसंद करेगा? नहीं पसंद करेगा। मान लीजिए यहाँ की जो लैंड है बहुत फर्टाइल है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ है, यहाँ कुछ भी लगाएंगे, इरिगेशन करेंगे तो अच्छी से अच्छी फसल हो जाएगी, लेकिन यहाँ तक पहुँचने का साधन नहीं है हमारे पास। तो हम ट्रांसपोर्ट अगर पहले डेवलप करेंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक हमारा, हम यहाँ से यहाँ तक तभी आ पाएंगे ना जब यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर प्रॉपर रोड हो, ठीक है, या रेलवेज हो, ठीक। तो हम यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी प्रोवाइड कर अगर हम कराएंगे तो फिर हम इस लैंड को यूज़ कर सकते हैं। इज़ इट क्लियर? मैं आई होप दैट आई हैव मेड यू क्लियर दैट ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, नेक्स्ट इज नीड फॉर डेवलपमेंट, नीड ऑफ फॉर ट्रांसपोर्ट। From an olden times, movement of people and goods from one place to another had been taken place. These continuous movement of people helped a lot in trade and exchange of ideas. देखिए, exchange of ideas हुआ ना, हम यहाँ पर transport develop कर रहे हैं तभी तो ideas exchange हुआ, लोग आने जाने लगे, लोगों ने idea दिया कि यहाँ पर ये अगर हम इसकी industry लगाएंगे तो हो सकता है यहाँ पर ज़्यादा फ़ायदा हो। तो इसी तरीके से जो ट्रेड है वो बढ़ता जाएगा, ट्रेड बढ़ा, इकोनॉमिक कंडीशन ऑटोमेटिकली रेज होती जाएगी। हाँ, तो ट्रांसपोर्टेशन जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि बिना ट्रांसपोर्टेशन का कोई भी डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है ट्रांसपोर्ट, ठीक है। ट्रांसपोर्ट जो है उसके होने से लोगों को रोज़गार मिलते हैं, रोज़गार ट्रांसपोर्ट रहेगा, कोई इंडस्ट्री, यहाँ पर इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री पे जो गुड्स मैन्युफैक्चर होंगे, गुड मैन्युफैक्चर होने से लोगों को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार मिलने से उनकी अर्निंग बढ़ेगी, अर्निंग बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, फिर वो उस एरिया का डेवलपमेंट ऑटोमेटिक रेज होगा। सो दिस इज़ द नीड ऑफ ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है बच्चों टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट, दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। ओके, टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड रीड द कंसेप्ट वेरी क्लियरली। ओके, नेक्स्ट में हम लोग टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे जिसमें रोड ट्रांसपोर्ट है, रेलवेज एंड वाटरवेज है, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। धीरे धीरे हम लोग इसको समझेंगे क्या है रोडवेज, कल हम लोग रोडवेज के बारे में ही जानेंगे, फिर हम लोग वाटरवेज एंड एयरवेज के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही।